शुक्रवार को बेगराजपुर स्थित मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल राम नाईक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान कॉलेज चेयरमैन गौरव स्वरूप सहित कॉलेज का समस्त स्टाफ मौजूद रहा, जहां कॉलेज चेयरमैन गौरव स्वरूप ने राज्यपाल राम नाईक का जोरदार स्वागत किया। वहीं सभी स्टाफ द्वारा भी राज्यपाल राम नाईक का स्वागत किया गया, जहाँ कॉलेज के लगभग 268 छात्र छात्राओं को डिग्रियों का वितरण किया गया। इस दौरान राज्यपाल राम नाईक द्वारा 12 बच्चों को डिग्रियां वितरित की गई, जिनमें 9 बच्चे अंडर ग्रेजुएशन और 3 बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन के थे। वहीं राज्यपाल राम नाईक ने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। हमारा तृतीय दीक्षांत समारोह था मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज का, इसमें महामहिम राज्यपाल माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी द्वारा बच्चों को डिग्री प्रदान की गई है। इसमें 12 बच्चों को माननीय राज्यपाल ने डिग्री प्रदान की है, जिसमें से 9 बच्चे यूजी के हैं, अंडर ग्रेजुएशन के हैं, और 3 बच्चे पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं। लेकिन और लगभग 268 बच्चों को यहाँ डिग्री दी गई है, क्योंकि माननीय राज्यपाल जी का व्यस्त कार्यक्रम था, वो इतना ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं दे सकते थे, लेकिन हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। लगभग उन्होंने 2 घंटे का समय हमारे कॉलेज को दिया, और इससे बच्चों में नई चेतना प्राप्त होती है कि एक बड़ी हस्ती द्वारा उनको डिग्री प्रदान की गई है, तो आगे और बच्चों को इससे प्रोत्साहन मिलता है और आगे वो अच्छा करने की सोचते हैं। और मेरे हम अपने कॉलेज के सभी यहाँ पर उपस्थित सब आप सबका प्रधान पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सारे प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस प्रोग्राम को करवाने में अपना कीमती समय दिया। प्रशासन का, सब आप पत्रकार बंधुओं का, अपने सभी डॉक्टर्स का, सभी टीचर्स का, सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और आशा करते हैं कि इससे अच्छा अगली बार इससे अच्छा कार्यक्रम हो, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। धन्यवाद। ऐसा है कि भारत की सेना सर्वश्रेष्ठ सेना मानी जाती है, और जब भी कभी उनको चुनौती मिल गई, उस समय पर उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। और जहाँ तक पाकिस्तान के साथ संबंध है, बिल्कुल 1947 में, बाद में 1965 में, 1971 में, कारगिल की लड़ाई में, जब जब इस प्रकार की बात आई, तो भारतीय सेना ने अपनी ताकत दिखाई है, और हम सबको ऐसे सेना के बारे में एक दृष्टि से गर्व है। छुपे ढंग से आतंकवादी काम करते रहे, लेकिन इस समय पर जिस प्रकार से हमला हुआ, वो दर्दनाक था, और किसी को भी और सारे देशवासियों के मन में भी क्रोध आया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, उस प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, चर्चा की थी, और उन्होंने सेना को अधिकार दिया था कि वो अपने ढंग से कौन से समय पर कहाँ और कब इसका बदला लेना है ये तय करे, और बहादुर सेना ने ये तय किया। और ये करते समय किसी को भी कल्पना नहीं थी, और हमने जो अपने सेना ने जो काम किया, सारे दुनिया में भारत की बात सही है, इस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई, और मुझे ऐसा लगता है कि एक अभिनंदन की जरूर बात है। अब सेना में कहाँ ना कहाँ जब लड़ाई होती है, तो फिर भी उसने जिस प्रकार से हिम्मत के साथ बात की, और वह वापस देश में आ रहा है, और निश्चित तौर पर उसका जो शौर्य है, सारे हिंदुस्तानवासियों को उस पर गर्व है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने ऐसे कठिन परिस्थिति में व्यवहार किया। सर, पायलट प्रोजेक्ट की बात करें, मोदी ने कहा तो प्रोजेक्ट है। अब ऐसा है कि मोदी जी के बात सबने सुनी है, और इसका मतलब मैंने जो निकाला वो यही है कि हमने आपको बताया है कि आप भारत को इस प्रकार से छेड़ने की बात करेंगे तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, ये बात उन्होंने अपने ढंग से बताई है, और मुझे लगता है कि सारा देश उनकी जो भावना है उसके समर्थन में। अजहर मसूद की बात पाक ने माने कि वो पाकिस्तान में है, तल्ले में लाचार है। अब ऐसा है कि ये सारी जो बातें हैं, वह
केंद्र सरकार उसके बारे में कुछ कह पाएंगे। मुझे व्यक्तिगत जानकारी ऐसे मामलों में नहीं है, और जिसकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं होती है उसमें राज्यपाल ने बोलना कुछ उचित नहीं होता। मेरठ पुलिस ने एक अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने का काम किया है। एसएसपी नितिन तिवारी के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत गंगा नहर थाना पुलिस ने बीते दिनों सुनील नाम के व्यक्ति को गोली मारकर घायल करने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है, जहां पुलिस ने घायल की पत्नी और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार और स्कूटी बरामद कर ली गई है। जहां एसएसपी मेरठ नितिन तिवारी ने बताया कि सुनील की पत्नी बीना रोहित शर्मा नाम के व्यक्ति से बात करती थी, जिसकी भनक उसके पति सुनील को हो गई थी, जहां सुनील ने बीना और रोहित को धमकाया था, जिस पर रोहित ने अपने साथी अजय त्यागी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। लोगों को पता है दिनांक 24 को करीबन शाम को 6 बजे घटना कारित की गई थाना गंगानगर क्षेत्र में, जिसमें एक महिला और पुरुष, ऐसा बताया गया कि पुरुष महिला को गाड़ी सिखा रहा था और दो बदमाश आए। दोनों बदमाशों ने महिला के कुंडल छीनने की कोशिश करी और गोली मार के जो पुरुष था उसकी हत्या कर दी। बाद में ये वाली बात बताई गई, पुरुष आर्मी में फौज में एक कर्मचारी था। इस बात का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने FIR दर्ज करी और प्रथम दृष्टया पुलिस ने इसको लूट की घटना मानते हुए इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू किया। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन चालू किया तो जो तथ्य सामने आया, जिस तरह की गाड़ी का इस्तेमाल हुआ और बाकी की जो डिटेल्स पुलिस को पता लगी, तो ये वाली बात पता लगी, इस महिला ने अपने पैरामर के साथ, अपने किसी ऐसे लड़के के साथ जिसके जिसको ये चाहती थी, जैसा कि इसका कहना है, उसके साथ मिलकर अपने पति की हत्या कारित करने की बात पुलिस को बताई है, करना बताया है, उसका प्रयास बताया है। फिलहाल अभी जो फौजी है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और अभी, लेकिन वो क्रिटिकल कंडीशन में है, जैसा कि उसके बारे में बताया गया है। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ये महिला है और इसके दो अन्य लोग हैं, जो एक इसका पैरामर है और एक अन्य व्यक्ति जिसने इस घटना को उस लड़के के साथ मिलकर कारित किया है। पुलिस ने जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी है उसको भी बरामद किया है। इसके अलावा जो वेपन ऑफ जो आला कत्ल है पुलिस ने उसको भी बरामद कर लिया है। तो इस तरीके से इस पूरी घटना के ऊपर से पर्दाफाश पुलिस ने किया है। जो पेन ड्राइव पुलिस ने बरामद किया उसमें जो महिला और जो लड़का है जिनकी बात बताई जा रही है, उन दोनों के बीच के सीक्रेट कन्वर्सेशन हैं, वो भी पुलिस ने, पुलिस विल मेक इट एज ए पार्ट ऑफ एविडेंस इन इट्स केस आई। सर, ये रोहित जो है ये बागपत का है, बिना बुलंदशहर की है, कैसे इनमें संबंध हुए सर और किस तरह से जो है खुलासा हुआ, चूंकि आप बता रहे हैं पहले भी मारपीट की गई थी। पहले के इस बात इस तरह के तथ्यों की पुष्टि हुई है कि जो फौजी था उसको ये वाली बात पता लग गई थी कि ये जो लड़का है इसके महिला के साथ संबंध हो गए, इसी बात को लेकर फौजी के द्वारा इस महिला से मारपीट भी की गई और ये वाली बात पुलिस को बताई गई है महिला के द्वारा। लेकिन कैसे संबंध हुए ये अभी महिला से और डिटेल पूछताछ किया जाना बाकी। सर, कितने महीने की ये प्रेम कहानी थी और जो क्या फौजी था वो विरोध करता था, अवैध संबंधों में क्या करते? फौजी जब एक बार छुट्टी से आया था तो उसको इस तरह की बात पता लगी कि महिला के साथ उसके संबंध हैं, और इसी बात को लेकर शायद फौजी ने दोबारा छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया था। यही बात पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन में पता लगी है। सर, ये बताया जा रहा है राम कथा से शुरू हुई प्रेम कहानी, राम कथा से प्रेम कथा तक चली है कहानी, इसका कैसे पता चला? देखिए, पहले घटना लूट की घटना पुलिस को बताई गई, घटना को डाइवर्ट करने की शुरुआत इसकी राम कथा से हुई थी, वहीं इनका मिलन हुआ था। अब बहुत सारी चीजें पुलिस को और अभी पूछताछ करनी है। जनपद मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में एक युवती ने जमकर हंगामा किया। नशे में धुत एक युवती ने ब्रह्मपुरी थाने में देर रात जमकर हंगामा काटा। जिसने भी युवती को पकड़ने की कोशिश की उसी पर युवती ने हमला कर दिया। खाने की मेज कुर्सी को भी उठा उठा कर युवती ने फेंका। एक सिपाही को इस दौरान सैंडल से पीट दिया गया, जिसके बाद अन्य पुलिसकर्मी अपनी जान बचाते नजर आए। इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया गया, जिन्होंने उत्पाती युवती को पीट कर काबू किया। गुरुवार रात एक युवती माधवपुरम चौकी के पीछे नाले के पास नशे की हालत में धुत पड़ी थी। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जहां युवती ने खड़े होते ही राहगीरों से गाली गलौज करना शुरू कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची तो किसी तरह युवती को जीप में बैठाकर थाने ले आई। इसी बीच युवती जीप में शोर शराबा करने लगी और कूदकर भागने का प्रयास करने लगी। किसी तरह पुलिस युवती को थाने ले आई। चीख पुकार के बीच थाने के अंदर और बाहर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। एक पुलिसकर्मी ने युवती को रोका तो उसने उसकी सैंडल से पिटाई कर डाली। भीड़ ने मोबाइल से हंगामा कर रही युवती का वीडियो वायरल कर दिया। ब्रह्मपुरी थाने में कल रात 8-9 बजे के लगभग एक लड़की 18-19 साल की
जो नशे की हालत में थे हंगामा कर रहे थे, जिसके खिलाफ 34 पुलिस एक्ट की कार्रवाई की गई नशे की हालत में। एसपी सिटी मेरठ अखिलेश नारायण सिंह द्वारा पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रांसफार्मर, विद्युत तार एवं विद्युत मोटर्स की सैकड़ों चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। थाना टीपी नगर मेरठ द्वारा इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जहां पर 28 फरवरी की रात्रि में एसएसपी मेरठ नितिन तिवारी के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित धरपकड़ अभियान के तहत टीपी नगर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार गौतम ने टीम के साथ मिलकर ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, ट्यूबवेल एवं विद्युत खंभों के तारों की चोरी करने वाले गैंग लीडर जुल्फिकार सहित 8 लोगों को मैच चोरी के माल सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि कार से आरोपी दिन में रेकी कर सुनसान स्थलों पर ट्यूबवेल की मोटर, विद्युत लाइन के तार, ट्रांसफार्मर रात्रि के समय चोरी करके माल को दिल्ली, गाजियाबाद में और अन्य स्थानों पर बेच देते थे। पकड़ गए आरोपी के नाम जुल्फिकार वकील पुत्र शकील, रहीमुल्ला अंसारी पुत्र अली हसन, साहिल पुत्र कमरुद्दीन, हनीश पुत्र इस्लाम, आदिल पुत्र रियाज, शिवकुमार पुत्र पप्पू जाटव, निवासी गांव लाला मसूद नगर थाना कंकरखेड़ा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से एल्युमिनियम के तार, विद्युत मोटर, अल्टरनेटर नुमा ट्रांसफार्मर के कोर पत्ती सहित भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया है। व्यक्ति है जो अपने साथियों के साथ मिलकर विद्युत ट्यूबवेल और ट्रांसफार्मर वगैरह के उपकरण चुराने का काम करता था और अपने कई साथियों के साथ मिलकर समय समय बदलता भी रहता था, गैंग बना के काम करता था। कल रात बागपत रोड पर फ्लाईओवर के नीचे ये गैंग पकड़ा गया, जिसके साथ इस टीम गाड़ी भी थी जिसका प्रयोग ये करते थे अपराध करने में, और तमाम तरह के उपकरण भी इनके पास से मिले हैं। इस तरह की घटना निश्चित तौर पे पब्लिक न्यूसेंस भी पैदा करती है और वैसे भी खराब है, तो सभी इनके पकड़े जाने से निश्चित तौर पे ऐसे अपराधियों पे लगाम लगेगी और ऐसे अपराध पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी। सर, ये सरकारी राजस्व को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं निश्चित तौर पे। कितने समय से इस काम को कर रहे थे और कितने पहले मुकदमा दर्ज है, क्या अपराध? जो पूछताछ इनसे किया गया, इनके अनुसार इन्होंने करीब लगभग 100 घटना कहा कि 100 जगह हम लोगों ने ट्राई किया, बहुत जगह सफल हुई, बहुत जगह असफल हुई, और कहाँ कहाँ किया है तमाम घटनाओं के बारे में इनको जानकारी भी नहीं कहाँ कहाँ किए। तो इनको हम PCR पे लेंगे और जहाँ जहाँ बता रहे हैं वहाँ वहाँ पर इनको लेके जाएंगे, जिससे घटनाओं को वेरीफाई किया जा सके और उसका सही अनावरण हो सके। सर, क्या पहले भी लोग जेल गए हैं, उनसे कोई घटना है, कोई इनकी पहले की भी क्रिमिनल हिस्ट्री है? जिन लोगों को मारने थे वहाँ तक हम पहुँचेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी चोरी होता है तो अपना यूज तो करेंगे नहीं ट्रांसफार्मर की चीज़ को, तो उसको हम वेरीफाई करेंगे। बागपत में दहेज हत्या की वारदात सामने आई है। दहेज लोभी भेड़ियों ने एक बार फिर से नवविवाहिता को बलि चढ़ा दिया। रमाला थाना क्षेत्र के गांव में दहेज लोभियों ने नवविवाहिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर नवविवाहिता के पति और ससुर ने लाठी डंडों से उसे बुरी तरह पीटा, जिससे महिला की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी में थे, लेकिन उसी समय मृतक के परिजन वहां पर पहुंच गए। परिजनों ने पुलिस को हत्या के हो जाने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मृतक महिला का नाम शिवानी बताया जा रहा है, जो बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के बिजरोल गांव की रहने वाली है। शिवानी की शादी जनपद के ही गुंगाखेड़ी गांव में हुई थी। 1 साल पहले परिवार के लोगों ने हैसियत के हिसाब से दान दहेज के साथ शादी की थी। आरोप है कि लड़की का पति और ससुर काफी समय से दहेज में कार की मांग कर रहे थे। लड़की ने परिजनों को इसके बारे में बताया था, लेकिन बीती रात दहेज लोभियों ने महिला के साथ डंडों से पिटाई की। आरोप है कि पति और ससुर उसे तब तक पीटते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। नवविवाहिता की हत्या के बाद आरोपी ससुरालियों ने उसका अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया, लेकिन गाँव में किसी आदमी ने मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दे दी, जिस पर परिजन मौके पर पहुंचे और महिला का अंतिम संस्कार करने से पहले ही घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। अजय ने बताया जी, फोन करके कहा आप यहाँ लड़की मिल गई आपकी शिवानी नाम की, और आप यहाँ जो ठीक है हम यहाँ आकर देखा, हमें पता लगा यहाँ तो लाठी डंडू था मारी इन्होंने, और मैं आकर जाकर फिर जो है अपना रमाला थाने में जो है पुलिस को सूचना कर जाएगा, पुलिस यहाँ आएगी। ये कोतवाली रमाला में गांव पड़ता है गुंगाखेड़ी, जहाँ पे एक महिला है जिसका नाम शिवानी है, जो बिजवाड़ा की मूल रूप से रहने वाली थी, जिनका विवाह हुआ था थाना गुंगाड़ी में लगभग 1 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि उनकी हत्या कर दी गई है,
और जैसा कि पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और प्रथम दृष्टया पता चला कि पीट पीट के हत्या की गई। पुलिस ने मौके पर तुरंत जाकर कार्रवाई करते हुए, चूंकि यह दहेज हत्या से जुड़ा हुआ प्रकरण था, पंचायतनामा पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कराया जा रहा है और 3 लोगों को डिटेन किया गया है। पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है। जहां एक तरफ उत्तराखंड में औद्योगिक क्षेत्र लगने से ग्रामवासियों को अनेकों रोजगार मिले हैं, वहीं दूसरी ओर श्रमिकों को इसका भुगतान अपने अंग गवाकर चुकाना पड़ता है। ताजा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र की लाइटें बनाने वाली यूनिटेक कंपनी का है, जहां आए दिन श्रमिकों को मजदूरी के रूप में अपने अंग गंवाने पड़ते हैं। अगर बात की जाए श्रमिकों की, तो श्रमिकों का कहना है कि जो लेबर में काम करता है उससे ऑपरेटर का काम लिया जाता है और जो रात्रि में मजदूरी करता है तो उससे दिन में भी काम लिया जाता है, जिसके चलते साफ तौर से मजदूरों का शोषण हो रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह मजदूरों ने अपने अंग गवा दिए हैं और कंपनी की बाबत मीडिया से रूबरू होकर अपना दर्द सुनाया। अगर बात की जाए 2017 में 18 की, तो अब तक तकरीबन 16 मजदूरों ने अपनी जान के साथ साथ अंग भी गवा दिए हैं। बच्चे का आपका दादी लेबर का कित गलो अपना गलो गलो वाट है गलो यार, ये जो वर्कर थे आके यहाँ से खड़े हो गए और पुलिस आई, पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी। पर हमने बोला कि भाई सब वर्करों को मतलब भाई ड्यूटी नहीं करनी है, मतलब आरोंदन मतलब कुछ भी करा हमने, तो यहाँ पर पुलिस की गड्डी आई और अंदर जाके 5-4 पुलिस मतलब 100 बातें करी उन्होंने, निकलते ही बाद में उन्होंने लाठी स्टार्ट कर दी हमारे पास। हमारा कोई भी मतलब ऐसा भी मतलब कोई हमारी गलती भी नहीं थी और फिर भी हमारे पास मतलब लाठी 2-4 के लगी भी है और जी बहुत ज्यादा बंदे, कोई नाली में गिर गया, कोई कैम में गया, किसी के तो कपड़े भी बने, बाइक भी कोई लटकी मारी एक दो के तो जी बाइकों पे भी मारी यार। फिर हमारी कोई मतलब कोई गलती हो या गलत बात थोड़ा ये है कि मतलब विरोध कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, मतलब फिर भी मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा ये अत्याचार करा हमारे साथ, सरकार ने भी ये मतलब पुलिस वालों ने तो बिल्कुल ही हदी सीमाएं पार कर दी सर, ये बस बहुत ही बुरा हुआ है। हम इसलिए अपना हक मांग रहे थे कि बंदे की उंगली गई है, थोड़ा बातचीत करने के लिए जी सर। ये पता क्या है जी, यहाँ पर मैं काम करके कम से कम 3-4 फेरी चला गया ग्लोब हाईटेक में, लेकिन एक बात है यहाँ पे महीने में 5-7 तो एक्सीडेंट होने ही होने हैं इसमें, और प्लस इसी के मारो मैंने कंपनी भी छोड़ दी है। ये यहाँ पर रिकॉर्ड आके देख लो, मैंने 3-4 फेरी ज्वाइनिंग हुई है मेरे में, लेकिन मैंने छोड़ दी फिर भी। उत्तराखंड के भगवानपुर क्षेत्र में राजस्व विभाग की टीम द्वारा अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 वाहनों को सीज कर दिया गया। सीज हुए वाहनों में 2 डंपर तथा 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां शामिल हैं। दरअसल मामला भगवानपुर तहसील क्षेत्र का है, जहां पर राजस्व विभाग को कुछ दिनों से स्थानीय लोगों के द्वारा बुग्गावाला से अवैध खनन सामग्री लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली तथा डंपर ले जाने की सूचना मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग की टीम ने आज सुबह खेड़ी शिकोहपुर वेस्ट सिकरोड़ा मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें कई वाहन अवैध खनन में संलिप्त पाए गए, जिन पर कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग ने उन्हें सीज कर दिया, जिसको लेकर खनन माफियाओं में खलबली मच गई। नायब तहसीलदार ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई विभाग द्वारा पहले भी की गई थी तथा आज भी इसी प्रकार की कार्रवाई की गई है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। ट्रैक्टर है, 2 टेम्पर है और ये अवैध खनन से भरे हुए थे, पकड़ लिए गए, इनके जो है खाना भगवान को स्कूटी में दे दिए गए, इनके खिलाफ जो है खनन एक्ट की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई। हाँ, अब ये पहले भी होती रही है, आज भी है और आगे भी होती रहेगी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने सूचना के आधार पर 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 बम सहित AK-47, 49 SLR, 9mm के 1700 जिंदा कारतूस और 85 किलो कारतूस के खोल बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि ये माल उन्होंने कबाड़े के गोदाम से बरामद किया है, माल आर्मी का बताया जा रहा है, जिन्हें माल के बारे में सूचना दे दी गई है। पकड़े गए 3 आरोपियों के बैकग्राउंड के बारे में पता किया जा रहा है, जांच के बाद इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं, जिसके बाद पकड़े गए 3 युवकों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे यह वही 3 आरोपी हैं जिनके कब्जे से फरीदाबाद पुलिस ने इतनी भारी संख्या में बम और कारतूस बरामद किए हैं। गौरतलब है कि आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने AK-47, इंसास, SLR, 9mm के 1700 जिंदा कारतूस, 85 किलो कारतूस के खोके और 5 बम बरामद किए हैं।
पुलिस के मुताबिक उन्हें गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से माल को बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि ये माल उन्होंने एक कबाड़े के गोदाम से पकड़ा है। माल आर्मी का बताया जा रहा है जिन्हें माल के बारे में पूरी सूचना दे दी गई है। पकड़े गए तीनों आरोपियों के बैकग्राउंड के बारे में भी पुलिस जानकारी हासिल कर रही है जिसके बाद तीनों आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। बागपत के रटौल गांव में हर वर्ष मरहूम सिराजुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लगने वाले तीन दिवसीय उर्स मेले को पुलवामा में शहीद हुए जवान के सम्मान में स्थगित कर दिया गया है जिसके चलते एक पंचायत का आयोजन कर यह निर्णय लिया गया और दरगाह पर सादगी के साथ चादर चढ़ाकर और कुरान खानी कराकर रस्म को अदा किया गया। रटौल गांव में वर्षों से मरहूम सिराजुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक तीन दिवसीय मेले का आयोजन 1 मार्च से किया जाता है, लेकिन इस बार देश में गम के माहौल और पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में एक पंचायत का आयोजन कर 36 बिरादरियों के लोगों को इकट्ठा किया गया जिसमें बोलते हुए पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर मेहराजुद्दीन ने कहा कि देश में गम की इस घड़ी में सभी देशवासी एक साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि देश के सैनिकों के सम्मान में अब की बार मेले का आयोजन कव्वाली, कुश्ती, स्वाग और लगने वाली दुकानों और झूलों का आयोजन नहीं किया जाएगा और मेला स्थगित किया जाता है, लेकिन हर वर्ष दरगाह पर चढ़ने वाली चादर कुरान खानी और मरहूमों के लिए दुआ सादगी के साथ की जाएगी। उन्होंने कहा इन बुजुर्गों और फकीरों ने आपसी भाईचारे और पैगाम मोहब्बत व गंगा जमुना तहजीब को आम किया है, इसलिए इनके मजार पर मन्नत मांगना, चादर चढ़ाना हर धर्म के लोगों को आता है। मखदूम सिराजुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हुआ करता है 100 साल से यहाँ, और इस बार भी होना था मगर हमारे गांव के सब मौजूद लोगों ने यह तय किया कि जो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हमारे जवान और पूरे इंडिया से कोई कहीं का था उन जवानों की शहादत जो हुई है उसे सामने रखते हुए उस शहादत को खिराज अकीदत देने के लिए हम लोगों ने ये तय किया कि इस बार मेला नहीं होगा, दंगल नहीं होगा, कव्वाली नहीं होगी, जो रस्म है उर्स की वो होगी। क्योंकि बार बार एडमिनिस्ट्रेशन ये पूछ रहा था कि PAC कहाँ लगेगी, कितना फोर्स की ज़रूरत होगी, जैसे क्योंकि भीड़ होती है, हज़ारों आदमी यहाँ होता है और दंगल यहाँ का पूरे हिंदुस्तान में मशहूर होता है, बड़ी दूर दूर से पहलवान आते हैं, तो ये सब सोचते हुए इन हादसात को देखते हुए फिर इलेक्शन भी डिक्लेयर होने वाला है, कल मीटिंग हुई है 28 तारीख को मीटिंग हुई है, मेरे ख्याल में 10 को डिक्लेयर हो रहा है, तो वो आचार संहिता भी आ जाएगी, इसलिए सबकी राय ये हुई, अभी सरपंच आशी साहब की सदारत में ये मीटिंग हुई और पूरे गांव के सभी लोग मौजूद लोग थे, सब ने ये तय किया कि नहीं ये इस साल पोस्टपोन कर दीजिए, जो म्यूजिकल प्रोग्राम है वो पोस्टपोन कर दें, दंगल प्रोग्राम दें और मेला पोस्टपोन कर दें, मगर उर्स होना चाहिए, वो उर्स तो एक धार्मिक मामला होता है, मजहबी चीज़ है, उसमें कोई वजह नहीं है, वो रस्म अदा करने के लिए चादर चढ़ी, दुआएं मांगी गई और जो बच्चों को, छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को उसकी मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। ये जो मेला भरा जाता है ये किस विषय को लेकर के भरा जाता है? हज़रत मखदूम सिराजुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल जब हुआ था तो वो लोनी में थे, उन्होंने ये वसीयत की थी कि मुझे रटौल में दफनाया जाए। जब रटौल में उनका मजार कब्र को की तैयारी यहाँ होनी थी, लोनी वालों ने कहा अरे कौन जाएगा इतनी दूर, यहीं दफना देते हैं, तो वो ये मशहूर बात है कि उनका जनाजा बहुत कोशिश की गई नहीं उठा, फिर रटौल से चार लड़के गए और आराम से उठा के जब यहाँ ले आए, तो ये एक इनकी मान्यता बड़ी दूर दूर से है, मुस्लिम्स में, गैर मुस्लिम्स में, सबसे बड़ी बात यह है एक पैगाम इन बुज़ुर्गों ने दिया है कौमी एकता का, आपसी भाईचारे का, जितने यहाँ मुसलमान आते हैं उतने हिंदू आते हैं, उतने ही दूसरी कौम के लोग आते हैं, तो ये
बागपत पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने 1147 लाख की योजनाओं का जनपद को तोहफा दिया है। 1147 लाख की लागत से जनपद की 46 सड़कों का निर्माण और मरम्मत कार्य किए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे मंत्री जी ने योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मंत्री के साथ CDO बागपत व पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर मौजूद रहे। सड़क शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री ने PM मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि PM ने भारत को दुनिया का सिरमौर बना दिया है और अब किसी भी दुश्मन की भारत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं होती। जबकि 4 साल पहले देश हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहा था, जिसे PM ने नियंत्रित करके दुनिया का सिरमौर बना दिया है। दरअसल आज मंत्री ने 46 सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया। बागपत लोकसभा के कई दर्जन गांवों को जोड़ने वाली इन सड़कों का निर्माण अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने आज इनका शिलान्यास कर 1147 लाख रुपए की लागत का तोहफा दिया है। हम लोगों के लिए स्पेशली मैं देख रहा हूं, जब से 9 महीने से इस जनपद में हूं, माननीय मंत्री जी की कृपा से लगातार शिलान्यास लोकार्पण का दौर चल रहा है। एक होता है उसके बाद दूसरे का नंबर आ जाता है, ये बहुत अच्छी बात है बागपत के लिए। बहुत सड़कों का हो रहा है, 11.5 करोड़ का निर्माण था पूरे लोकसभा में, आज 81 सड़कों का होता है और 21.5 करोड़ का होता है पूरे प्रदेश में। आज खास पर कार्यक्रम धीरे करके हमारी सरकार जो है ये मानती है कि जहाँ सड़क अच्छी है वही समृद्धि आती है, जहाँ सड़क अच्छी है वही समृद्धि आती है। सड़क आ रही है धीरे धीरे बागपत के अंदर, विकास होने वाला। मैं कई बार कहता हूँ कि अमेरिका में ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका बहुत धनी देश है, इसलिए वहाँ सड़क अच्छी है। दबंगों द्वारा नगर पंचायत की सरकारी भूमि पर कब्जा करके अवैध रूप से प्लॉटिंग करने की शिकायत पर नगर पंचायत की टीम कब्जा धारकों से भूमि कब्जा मुक्त कराने पहुंची। JCB से नगर पंचायत की टीम ने अवैध रूप से किया गया निर्माण को ध्वस्त करा दिया और ईंटों को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि मौके पर नगर पंचायत की टीम के साथ काफी नोकझोंक हुई, जिसके बाद कुछ दबंग कब्जा धारकों के द्वारा दबंगे के चलते टीम आधी जमीन को ही कब्जा मुक्त करा पाई। नगर पंचायत के अधिकारियों ने पुलिस में अज्ञात कब्जा धारकों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। प्रदेश में योगी सरकार के आते ही सरकार के निर्देशानुसार एंटी भूमाफिया टीम बनाकर कब्जा धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश देने वाली सरकार की सरकारी भूमि पर ही दबंगों द्वारा कब्जा करने के मामले में सरकारी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। दरअसल ताजा मामला शामली के कस्बा थाना भवन नगर पंचायत का है, जहां पर स्थानीय निवासियों ने नगर पंचायत की बंजर भूमि में तालाब की भूमि पर दबंग कब्जा धारकों द्वारा प्लॉटिंग करके अवैध निर्माण करने की शिकायत पर नगर पंचायत की टीम JCB के साथ मौके पर पहुंची और कब्जा धारकों द्वारा किए गए निर्माण को ध्वस्त कराते हुए मौके से कब्जा हटवा दिया। मौके पर कब्जा धारकों व नगर पंचायत की टीम में काफी नोकझोंक हुई, जिसमें नगर पंचायत की टीम नगर पंचायत की कुछ भूमि से कब्जा हटवाने में कामयाब रही तो कुछ दबंग कब्जा धारकों की दबंगई के चलते नगर पंचायत की टीम को वापस लौटना पड़ा। हालांकि नगर पंचायत अधिकारी ने स्थानीय थाने में अज्ञात कब्जा धारकों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। यहाँ पे नगर पंचायत की सरकारी भूमि है जो बंजर है और ये हमारे पीछे एक तालाब है जिसको कुछ दबंग लोगों द्वारा नींव भरकर अतिक्रमण किया जा रहा था। कोई सूचना नहीं दी गई ना कोई मौके पे आया। इस बारे में यहीं से लोकल आम लोगों ने जो यहाँ रहते हैं मोहल्ले में उनके द्वारा फ़ोन करके शिकायत की गई कि कुछ लोगों द्वारा यहाँ नींव भर दी गई, तो नगर पंचायत टीम द्वारा मौके पर आकर भरी गई नींव को फड़वा कर उड़वा दी गई है और जो उनके द्वारा अवैध निर्माण किया गया था उसे ध्वस्त कर दिया गया। ईटे नगर पंचायत द्वारा जब्त की गई जिन्हें नगर पंचायत अपने उसमें टंकी कंपाउंड में जमा की जा रही है। सरकारी जमीन है, यहाँ भर देते लोग बाग यहाँ और क्या करते, तो आपने कहा था टोन आई क्या अपने टोन में भर के ले गई। कब्जा करने वाला तो भाई आज ही तीन चार चमक रहे एक सरकारी टोन से कब्जा कर रहे थे। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में धारा 370 हटाने और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने को लेकर सांकेतिक धरना दिया गया है, जिसमें भारी संख्या में संत समाज और उनके समर्थकों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और जनसंख्या नियंत्रण कानून को भारत में लागू करने की मांग की गई। नहीं किया जम्मू कश्मीर में 42 सैनिकों की जो कायरतापूर्ण हमला पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी संगठन ने किया, जम्मू कश्मीर पूरे देश का और दिल है, पूरे देश का सिरमौर है,
इसलिए जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर में धारा 370 का प्रावधान लागू है, तो धारा 370 समाप्त करके सरकार उसे अन्य राज्यों की तरह बहाल करे, जिससे पूरा देश वहां पर अपना व्यापार और एक सीमित आवास जिस प्रकार से अन्य राज्यों में व्यवस्था है, जब वो लागू होगी तो पूरे देश जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानेगा और आतंकवादी और अलगाववादियों की कमर टूट जाएगी। भारत सरकार का बहुत सराहनीय कदम रहा कि अलगाववादियों की सुरक्षा वापस ली गई, क्योंकि भारत सरकार के बजट उनके ऊपर खर्च होता था और वो पाकिस्तान की बात करते थे। इसीलिए धारा 370 समाप्त की जाए और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर पूरे देश में एक विस्फोट को रोका जाए। इसी के निमित्त हरिद्वार की देवभूमि से पूरे देश में ये समाचार जाए, ये मैसेज जाए कि पूरा देश जम्मू वासियों के साथ खड़ा है। जम्मू की एकता और अखंडता के लिए उसको हम छिन्न भिन्न नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है वो सनातन काल से जुड़ा हुआ है, वेदों की उत्पत्ति जम्मू कश्मीर में हुई, इसलिए जम्मू कश्मीर पर जो पाकिस्तान अपनी निगाहें गड़ाए खड़ा है उसको हम कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के जानसर थाना क्षेत्र के गांव जटवाड़ा के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं पुलिस ने घायलों को जिला चिकित्सालय भेज दिया है। एक्सीडेंट में रणपाल पुत्र वीर नगला खेपड़ घायल हुआ है, जबकि एक व्यक्ति की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक गुल हसीन पुत्र इरफान निवासी जटवाड़ा मौके पर ही मृत हो गया। जनपद शामली के कस्बा कैराना में एक बाइक और ई रिक्शा की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति घायल हो गया, जिसे राहगीरों ने सीएससी में भर्ती करा दिया। दरअसल मामला कैराना के चौक बाजार का है, जहां पर बाइक और ई रिक्शा की भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को राहगीरों ने उठाकर सीएससी में भर्ती करा दिया। उसके साथी नदीम ने बताया कि वह दोनों पटेल निवासी हैं, जो कसेरवा से ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर आ रहे थे। जैसे ही वह लोग कैराना के चौक बाजार पर पहुंचे तो ई रिक्शा वाले ने कट मार कर उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रॉली छोड़ गई कि इसकी बुढ़गी भाई का आरिस मेरे चाचा का लुंडा है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा उत्तराखंड सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों के व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से एलईडी के माध्यम से दृश्य एवं श्रवण प्रचार विकास यात्रा रथ के माध्यम से हरिद्वार में लोगों को जागरूक किया गया, जहां भीम गौड़ा खड़खड़ी पीएचईएल टीवीडी व कनखल हरिद्वार में लोक कल्याणकारी विकास रथ के माध्यम से सरकार द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराई गई और योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति उठा सके, इसके लिए यह रथ यात्रा निकाली गई। विकास रथ के साथ साथ संभव मंच परिवार द्वारा अपने कलाकारों के साथ नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से उत्तराखंड सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया।